नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप देख रहे हैं बीएचपीसी न्यूज़। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में जनता भाजपा की गहरी साजिशों को समझ रही है। साथ ही शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल को दिल्ली पुलिस के जरिए आपका सदस्य बताए जाने पर संजय सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस को अपना ऑफिस भाजपा मुख्यालय में शिफ्ट कर देना चाहिए। देखिए बीएचबीसी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है तो दिल्ली पुलिस को अपना क्राइम ब्रांच शिफ्ट कर लेना चाहिए बीजेपी के कार्यालय में। जो अमित शाह कहे वही करो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। संजय जी, जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है, दिल्ली का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कुछ चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़? देखिए, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश को समझ रही है, भाजपा की गंदी राजनीति को समझ रही है, अमित शाह की राजनीति को समझ रही है और वही हो रहा। मैंने तो कल ही कहा था बीजेपी की साजिश है। आज देखिए, उसके पिता ने सामने आके बोल दिया, हाँ भाई चुनाव के समय में बहुत से लोग आते हैं, हमको ले गए थे, टोपी पहन ली थी, लेकिन अभी बीजेपी का प्रत्याशी आया था, हमने उनको भी माला पहनाया। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, जो खुलासा दिल्ली पुलिस रात में करती है वही खुलासा मनोज तिवारी सुबह सुबह कैसे कर देता है? तो क्या भाजपा के दफ्तर में बैठ के दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है? तो दिल्ली पुलिस को अपना क्राइम ब्रांच शिफ्ट कर लेना चाहिए बीजेपी के कार्यालय में। जो अमित शाह कहे वही करो। बजरंग दल के पदाधिकारी होने का सबूत मिला गोपाल के बारे में, जिसने गोली चलाई, उसके बारे में बजरंग दल का नाम लिया दिल्ली पुलिस ने। उसका प्रमाण मिला कि वो भाजपा नेताओं के साथ, उसकी फोटो है, कभी नाम लिया भाजपा नेताओं का। सर, क्या आपको लगता है ये सब एक स्क्रिप्टेड घटनाक्रम में चल रहा है? विपक्षी पार्टियां जो एक गहरी साजिश के तहत ये सब कुछ चल रहा है और बीजेपी इसके पीछे है। सर, इलेक्शन कमीशन से आपकी क्या? निश्चित रूप से भाजपा की गहरी साजिश पे चुनाव आयोग रोक लगाए। तो आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी करेंगे। कैमरा पर्सन वैभव के साथ दीपांश, बीएचबीसी न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें बीएचबीसी न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।